नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली के जंतर मंतर पर और एक ऐसा किस्सा आज हम सुनाएंगे आपको। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में दो बच्चों की निर्मम बर्बरता से जो हत्या की गई है, और उन्हीं से एक दिन पहले 25 तारीख को उन बच्चों की हत्या की गई है, वाल्मीकि समाज के थे, और 24 तारीख को यानी उससे एक दिन पहले वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश के सतबीर जी, जो अमरोहा पतई खादर के रहने वाले हैं, और हम जानना चाहेंगे उनका जो परिवार है, वो पीड़ित परिवार जो है, जब उत्तर प्रदेश में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जब पुलिस उनकी नहीं सुन रही, जब सरकार उनकी नहीं सुन रही, तो उनको आना पड़ा दिल्ली के जंतर मंतर पर। तो हम उनसे चर्चा कराएंगे आपकी, तो क्या उनके साथ क्या हुआ और कैसे उनका जो है हत्या की गई है। अपना नाम बताइए। रामबती है। रामबती जी, रामबती जी क्या हुआ वो जरा बताइए। मेरे पति को साहब ड्यूटी थोड़े से चैनल पे ही वैसे विवाद होया था। विवाद करने के बाद में मेरे पति से कही थी उन लोगों ने ना कि तू आना जेबड़ा जेबड़ा जो जिन्होंने मारा है। हाँ, जो आप बता रहे हो कि मारा है। हाँ, और वो जेबड़ा गाँव के रहने वाले हैं जी। एक का नाम है सिंटू, एक का काविंदर, और जी जेवड़ा में रहते थे। अच्छा। हाँ जी, मतलब आपका कुछ दो तीन जनों के नाम जानते हैं और बाकी कितने? हाँ, कितने लोग थे वो? वो चार हैं। चार लोग थे। में से ये दो के नाम अभी खुले नहीं है, दो के नाम खुल गए हैं। अच्छा। हाँ, उनों का अभी कोई वो नहीं है। अच्छा, चलिए हम उनके जो छोटे भाई हैं तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। अतवीर जी जो है इनका नाम बताया जा रहा है। अतवीर जी। हाँ जी जी, कैसे क्या माजरा हुआ थोड़ा सा मैं शुरू से बताइए। सर जी, मैं बताऊंगा कि हमारे ग्राम पतई खादर के अंदर एक प्रधान द्वारा जो है एक नाली का निर्माण के लिए लोहे का चैनल बनाया जा रहा था जी। तो ग्राम प्रधान द्वारा जब चैनल बनाया गया, तो चैनल बनाने के बाद उसको सेट करने के लिए ग्राम प्रधान ने उसको थोड़ा रुकावट करना चाहा था कि भाई कोई जो है इस रास्ते को कम निकलना, इस पे करके अभी मत निकल देना, नहीं तो ये उखड़ जाएगा। तो वहाँ पर जो है ये जेबड़ा के जो है जेबड़ा मुस्तकम के लोग हैं, ये गुजर समाज के हैं, ये चार बंदे हैं। अच्छा। जिनका दो को हमने बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया है। अच्छा। और नाम भी जानते हैं, उनके बाप का भी, सबका जानते हैं। तो क्या मतलब कोई पुरानी रंजिश वगैरह? पुरानी अब से मैं बता रहा हूँ, नहीं जो ग्राम प्रधान द्वारा जो हुआ निर्माण, ये एक सवा महीने पहले हुआ था। मतलब जो उनकी हत्या जो की गई है। हाँ। मर्डर जो किया गया उससे सवा महीने पहले। अच्छा। तो उन्होंने जब वो लोग जो है उसको उतारना चाह रहे थे मोटरसाइकिल, तो हमारे भाई ने सतवीर जो है सफाई कर्मी जो है उन्होंने मना करा कि भाई ये सभी का रास्ता, थोड़ा दूसरे रास्ते से निकल जाओ जी। लेके वो बोले साले भंगड़, तू हमारी हैसियत का है जो जाति सूचक शब्द। हाँ, बोले बोले साले भंगड़, तू हमारे सामने ये हैसियत कर रहा, कल को तो जब ड्यूटी पे आएगा जब हम तुझे देखेंगे। मतलब उनके गांव में ड्यूटी थी उनकी। उनके गांव में ही जेबड़ा मुस्तकम में वो तैनात थे मेरे भाई सतवीर से। अब वो जो है मतलब वहाँ पर सफाई का कार्य करते थे। हाँ, एक दिन उसने जो है ये जो काविंदर है ये जो है एक दिन उसको बुला के सारे लौंडे इकट्ठे करके अपने ही गांव में उसको धमकी दी। अच्छा। कि आंधा तू इन लड़कों को टचिंग टॉर्चर नहीं करेगा, अन्य साले तुझे जान से मार देंगे। अच्छा। तो हमारे भाई ने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसे तो कहते ही रहते हैं। हाँ, बच्चे हमारे वहाँ। हमारा भाई उस चीज़ को भूल गया। अच्छा। अब इन्होंने 24 तारीख को जब हमारा भाई डर के वजह से वो अपने हमारा भाई भाई हमारे साला के रिश्ते में लगता है कल्लन, वो हसनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। तो उनको वो साथ ले जाने लगा, मतलब डर के मारे जो है उनको साथ ले जाने। हाँ। लगे कभी कोई हरकत। हाँ, कर दे है ना। अब उनको तो अभी इन्होंने क्या काम करा, जब ये ड्यूटी पर पहुंच गए 24 तारीख को। अच्छा। 24 तारीख को शाम तक आए नहीं वापिस, जैसे रूटीन। हाँ, थी काम की। हाँ, सुबह गए हैं। हाँ, और वो शाम पाँच बजे तक ड्यूटी होती है। उसके बाद वो वापस नहीं आए। इन लोगों ने उसको पकड़ा। आपको शक भी था कुछ? शक तो है ही हमें। अब हम जब फोन करते थे तो बैल जाती थी, बैल उठाते नहीं थे। बीच में रात को फोन बंद हुआ। अच्छा। अगर वो बंद होता तो सहरा ही हो जाता रात को, स्विच ऑफ होता। लेकिन रात को आधे घंटे के लिए बंद हुआ, फिर चालू हो गया। अच्छा। फिर चालू हुआ तो हमें शक हुआ यार, अगर सुबह ड्यूटी तो जाना है, सुबह को 25 तारीख की सुबह को हमने बच्चों से ढूंढवाना, देख के आओ भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। कल्लन को इतनी धमकी दे दी कि वो जो है डर के मारे गांव में आया ही नहीं, जो उनके साथ ड्यूटी पे जाता था। हाँ, हार्ट का पेशेंट है वो,
तो वो इतना भयभीत हो गया। अच्छा। वो गांव में नहीं आया, गांव में नहीं आया। जब हमारे बच्चों ने वो लाश ढूंढी, हमें पता चला, मैंने बॉडी के पास गए, हमने वहाँ पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस प्रशासन कम से कम एक डेढ़ घंटे तक मेरे ही गाँव में बैठे हुए, अशोक कुमार शर्मा जी आदमपुर इंस्पेक्टर साहब जो हैं, अच्छा, वो नाश्ता कर रहे हैं। मतलब गांव में आ गए हैं, कॉल आपने की है और गांव में आ गए हैं, एक घंटे तक वो गांव में रहे हैं, मतलब बॉडी के पास वो नहीं पहुंचे। पहुंचे वहां जाकर के बस इतना करा, देख दाख के उन्होंने वीडियो वीडियो बनाई, लेकिन वो वीडियो भी हमें नहीं देते। वो सब वो कहते, अब इंस्पेक्टर साहब से मांगते तो वो कहते कुलदीप पे है, कुलदीप से कहते हैं मोहित पे है। अच्छा। इस टाइप से हमें कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं दी है। ये हमारे गांव के ही लोगों ने, जो ये हमने फोटो वगैरह ली है, ये उन गांव के द्वारा हमें मिली। अच्छा। लेकिन अभी तक ना तो हमारी FIR दर्ज हुई है, ना कोई मुकदमा लिखा गया। किस तरीके से मारा गया, कुछ आपको महसूस हुआ होगा, पता लगा? मेरे को तो ऐसा लगता है एक बांग टूटी हुई है मेरे भाई की, वो यहाँ जो है कुछ धारदार हथियार लगा हुआ है। आपने फोटो में भी देखा है। जी जी। और ये आँख पे आँख फोड़ी गई है, दांत तोड़े गए हैं, जो कि ब्लड पूरे चेहरे पे है, जो कि जो CMO हसनपुर पोस्ट मास्टर का अधिकारी है, उसने सारी चीज मेरे भाई की जब हमें बॉडी दी है उस पर कोई निशान नहीं रहने दिया, कोई ऐसा केमिकल लगाया जो कि उसने कोई भी निशान नहीं दिया, और खाली ये लिख दिया कि ये तो दारू पिलाई है। तो मेरे भाई को जब दारू पिलाई है तो दारू भी तो कातिलों ने पिलाई है, इतनी दारू कहाँ से पी ली उसने? मेरे भाई को जबरदस्ती दारू पिलाए के उसका जंगल में मर्डर करके आज उसको जो है जंगल में घेरा गया, इसलिए कि इसके गांव में, गांव के सीमाने में घेरा, मेरे गांव के जंगल में घेरा, ताकि इसके गांव के लोगों का नाम लगे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने मर्डर के बाद जो कातिल थे वो फरार हो गए या वहीं गांव में ही? आज भी वो वहीं आते रह जाते रहते हैं। अच्छा। और छुट्टा घूम रहे हैं, और छुट्टा घूम रहे हैं, और धमकी भी देते हैं उसको कल्लन को कि साले अगर रास्ते में कहीं रोड पे मिलेगा तुझे जान से मार दूंगे। इसीलिए मैंने जो उससे मन के क्या पता ये डर के वजह से भाग जाए, तो मैंने प्रार्थना पत्र स्टाम्प पेपर पर उसके बयान वकील द्वारा कराए हैं। जी, आप देखिए कि ये SC ST का भी केस बनता है, इन्होंने कहा कि अभी के भंगड़ उनको बोला है, भंगी बोला है, शब्द बोला है, और उसके बाद जो है उसको मर्डर किया गया और कहकर मर्डर किया गया है, मगर पुलिस कह रही है कि उनके पास कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं है कि उनको वो गिरफ्तार कर सके और उनसे पूछताछ तक कर सके, जबकि ये सफाई कर्मचारी जो परिवार के जो लोग हैं, सतवीर जी के जो घरवाले हैं, और जो वहाँ उत्तर प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी है वो भी धरने पर सुना बैठे हुए हैं सर। तो वो उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि अगर उन्होंने एक सप्ताह का टाइम मांगा है, अगर SP साहब ने गिरफ्तार नहीं करे तो हम सारा काम काज छोड़ के हमारा धरना प्रदर्शन जी जो है SP के कार्यालय पे होगा। देखिए, आपको बताना चाहेंगे, जब SHO साहब से बात हुई है, मीडिया कर्मी की जब बात हुई है, तो उन्होंने सीधा कहा कि हमारे पास कोई भी ऐसा क्लू नहीं है कि हम उनको गिरफ्तार कर सके और उनसे कोई पूछताछ कर सके। तो जब इतने लोग कह रहे हैं कि उन्हीं ने मारा है, नाम ले रहे हैं, साफ नाम ले रहे हैं, और उन्होंने धमकी दी है, और जिस खेत में मिले हैं वहाँ पर एविडेंस भी जुटा सकती है पुलिस, मगर पूछताछ करने तक की भी औकात नहीं है पुलिस की, तो ये तो एक गंभीर जनक बात है कि वो जो वहाँ के इंस्पेक्टर है, जो पुलिस है, वो काम करने योग्य नहीं है, और उनको तुरंत प्रभाव से जो है वो निष्कासित भी कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी पुलिस का कोई इस देश में काम नहीं है। और UP उत्तर प्रदेश के शहर में, जैसे शहर में के वहाँ पर गाँव में जो है इतनी मतलब प्रताड़ना होती है, इतना करप्शन है, उसके बावजूद ऐसे पुलिस वाले रखना जो है वो गलत है। तो चलिए, अब आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मेरी गुहार यही है कि मेरे भाई के मर्डर करने वाले कातिलों को गिरफ्तार करके जल्दी से जल्दी जेल के सराखों के पीछे डाला जाए, और मेरे परिवार को जो है, और जो मेरे गवाह हैं उसको सुरक्षा, मेरे बच्चों की सुरक्षा बनी रहे। मुझे इन लोगों से आगे के लिए भी खतरा है कि अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया तो एक आध मर्डर और दूसरा भी कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर आपके वाल्मीकि समाज सर, कितने घर हैं वहाँ? हमारे सर 3 घर हैं टोटल, गाँव में 3 घर हैं, और जो गुज्जर समाज, जिन्होंने 250-300 हैं,
चलिए वो तो देखिए, समाज चाहे कितना भी बड़ा हो तो वो जो कातिल होते हैं, कातिल का कोई साथी नहीं होता है, क्योंकि जो ये ऐसे चंद लोग होते हैं जो पूरे समाज का नाम ख़राब करते हैं, गुज्जर समाज जो है वो भी ये बात सुन ले और ऐसे कातिलों को अपने पनाह ना दे और उनको जो है पुलिस के हवाले कराए। तो छे और जो उनकी पत्नी है, पत्नी जो है खेत में काम कर कर और वो है अपना गुजर बसर करते हैं, और देखिए जब खेती होती है जैसे तो उसमें टाइम लगता है, तो जब कटाई होती है, कटाई पर जो है इनको गेहूं मिलता है या जो भी आप खेती करते होंगे उसमें आपको मेहनताना क्या मिलता है? गेहूं चावल यही होता है और क्या, मतलब जो भी खेती में आप काम करते हो, जो भी खेती में होता है वही आपको मिलता है? हाँ वही मिलता है, चाहे चावल हो या गेहूं हो। अच्छा, उसके अलावा कोई मेहनताना मतलब कोई तनख्वाह वगैरह? नहीं नहीं, उसमें क्या मिलता? कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। मतलब देखिए ये एक ऐसे गांव की घटना है जो जहां पर सिर्फ बगैर मजदूरी के, बगैर पैसों के जो है काम किया जाता है, सिर्फ अनाज के लिए, चावल के लिए। तो क्या, और आप क्या करते हैं, आप उनके क्या लगते हैं सतबीर जी? मैं लड़का हूँ। बेटे हैं? बड़े? हाँ जी। बड़े या छोटे? बड़ा हूँ सर। बड़े बेटे हैं तो आपसे और भी छोटे होंगे? हाँ मुझसे। कितने बहन भाई हैं? सात बहन भाई हैं। बेटे कितने और बेटियाँ कितने हैं? तीन भाई हैं, चार बहन। चार बहनें हैं, तो बहनें शादी हो चुकी है? एक बहन की शादी हुई है, मेरी शादी हुई है बस। अच्छा, दो बच्चों की जो है शादी हुई है, बाकी अभी पांच कुंवारे हैं। तो अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा सर, बस यही है, मैं तो ये सोचता हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए मेरे लिए। जी देखिए, इनकी सिर्फ यही गुहार है कि इंसाफ मिले। तो आप देखिए, घर में एक कमाने वाला था जिसकी नौकरी थी, जिनको मात्र 15 से 20 हज़ार रुपया जो है वो सैलरी वहाँ पर शायद मिलती होगी, क्योंकि स्थाई थे, ग्राम पंचायत में जो नौकरी करते थे। मगर आप देखिए, उनके घर से जो है वो साया उनके सर से चला गया है। अब इस पर जो है कानून क्या न्याय देता है और सरकार क्या सुनवाई इनकी करती है, क्या समाज इनकी मदद करता है, वो भी अब देखा जाएगा। तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कुछ करें ना करें मगर इनकी न्यूज़ को जो है वो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए, धन्यवाद।